हाय गाइस कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो यस आज मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ थोड़ी यू स्टाइल में <laughs> बस मेरा मन कर रहा था बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ये लुक और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैग्स हॉल हैंड बैगस हैं क्लचेज हैं स्लिंग बैग है मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होंगी इसमें क्यों बना रही हूँ ये वीडियो मेरे दिमाग में कहीं कहीं से नहीं थी बट जब भी मैं कम्युनिटी टैप पर कोई पोस्ट डालती थी हॉल से रिलेटेड या मेरी वीडियो आपने देखी कि नहीं तो हमेशा एक कमेंट आ जाता था बैग हॉल बैग हॉल हैंड बैगस हॉल तो आई थॉट कि चलो मैं एक एक करके आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ तो ये वाले भी इस बार मैंने प्लान किया और कुछ ऐसे बैग्स हैं जो मेरे पास ऑलरेडी मेरे कलेक्शन में थे और ऑब्वियसली सारे के सारे मैंने ऑनलाइन नहीं लिए थे तो वो सारी चीज़ें दिखा के मुझे लगा ज़्यादा फ़ायदा नहीं तो साथ में मैंने क्या किया उन से रिजम्बल करते हुए और जो मेरी पसंद के ऑनलाइन मुझे मिले वो भी मैंने पिक किए ताकि मैं आपके साथ यू नो शेयर कर सकूँ काफ़ी सारी मंगवाए थे मैंने बट जो क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैंने रिटर्न कर दी जो मुझे अच्छे लगे वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिकॉज जो हैंड है वो यू you नो know, आपकी पर्सनैलिटी को रिफ़्लेक्ट करते हैं इन द सेंस कि यू uh, नो you know, अच्छा हैंड आपके जो ओवरऑल लुक को है वो यहाँ से यहाँ भी ले जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी लेके आ सकता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा हैंड कैरी करें क्लच बैग जो भी है जितने भी पोर्स बैग्स हैं वो ऐसे करें जो आपके यू नो लुक को और एनहेंस करे तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ ऑप्शन है जो आपके साथ शेयर करूँगी अफोर्डेबल रेंज में हैं डेफिनेटली तो चलिए ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले यू नो द ड्रिल आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है और आगे भी ऐसे देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बैग से जो कि है ब्लैक कलर का हैंड बैग एंड ब्लैक कलर का बैग आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि वो वर्सेटाइल है आपके बहुत सारे यू you नो know, आउटफिट्स के लिए और ऐसे कहेंगे कि मैच करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है तो ये बैग जो ब्लैक कलर का है वो बहुत ही ज़्यादा यू नो वर्सेटाइल है इन द सेंस कि बिल्कुल प्लेन है आप देख सकते हैं आगे से पीछे से एंड आई प्रेफ़र स्ट्रक्चर्ड बैग मतलब होते ना सॉफ्ट लेदर में होते हैं जो लटक जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरह के स्ट्रक्चर तो मैं हमेशा स्ट्रक्चर प्रेफर करती हूँ तो ये मुझे गिफ्टेड है एक्चुअली और ये ब्रांड है इसका एक्सेसराइज गुड़गांव में जो एमबियंस मॉल है वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे एक्सेसराइज का यू you नो know, एक स्टोर है तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं बट ये यहाँ से नहीं है ये मेरी भाभी हैं हॉन्ग में रहते हैं उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ठीक है तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है मैं फर्स्ट इंक्लूड कर देती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छी लग रही है तो आपको भी अच्छी लगेगी शायद इसके अंदर ये इस तरीके से इसका जो हैंडल है ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं और इसके अंदर ये इस तरह से पूरा बेल्ट है तो इसको बेल्ट से भी यू नो हैंग कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है आप देख सकते हैं इसमें ये इस तरह से है अभी एक्चुअली ये मुझे जब से मिला है उसके बाद ना यू नो लॉकडाउन लगा हुआ है कहीं बाहर गई नहीं तो मैंने इसे ऐसा नहीं यूज़ किया अपनी वीडियोस में ही यूज़ किया तो देख सकते हैं इसमें पेपर वेपर भी अभी तक मैंने डाल के पर्पजली रखे हुए हैं क्योंकि ये जो बैग्स होते हैं ना स्ट्रक्चर बैग ये अगर आप यू you नो know, अलमीरा में ऐसे ही रख दोगे तो ख़राब हो जाते हैं एक दो तो मेरे हुए भी हैं तो मैं क्या करती हूँ इनके अंदर ना कुछ ऐसे न्यूज़ वगैरह भर के रख देती हूँ ताकि इनकी शेप ऐसे ही मेनटेन रहे तो ये बैग मुझे बहुत ही प्यारा लगा इस ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन मैंने खोजा तो मुझे मिला ये वाला जो कि मुझे इक्वली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा ये है फ्रॉम द ब्रांड लीनो परोस अमेज़न से लिए हैं लिंक ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस तरीके से आप इसको इस तरीके से आप इसे ऐसे भी कैरी कर सकते हैं देख सकते हो कितना ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही प्यारा है स्लीक लुक आता है इसका एंड देन इसके साथ इसका ये जो है बैग है स्ट्रैप है ये भी है डिटैचेबल है एंड ऑब्वियसली ये लॉन्ग है अंदर डली हुई है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा मैं दिखा देती हूँ आपको इसको भी अंदर से इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है ऑफिस वगैरह के लिए आप इसे कैरी कर सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इसकी बेसिक बेसिक सी आ जाएंगी तो ये काफ़ी प्यारा लगा मुझे देखने में भी, भी काफ़ी सुंदर है लेकिन पर उसका ऑलरेडी मैंने बैग यूज़ किए हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी बहुत अच्छे से पैक करके उन्होंने देख भेजा था तो देख सकते हैं आप लोग किसी भी तरीके से यू नो इसकी शेप ख़राब नहीं हुई है तो फर्स्ट हो गया ये सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ Uh, ये है बैगेट का बैग मेरा एक मैं आपको बताऊँ ये है आठ से दस साल पुराना बैग एंड ये इंटैक्ट है अभी तक भी होते ना फट जाते हैं कट जाते हैं इस वाले बैग में कहीं से भी आप देख लो डस्ट थोड़ी जरूर होगी वैसे तो अलमीरा में रखा था बट यू गाइज नो ना डस्ट तो कहीं भी पहुंच जाती है ये बिल्कुल इंटैक्ट है बैग ये मैंने यूज़ किया है बहुत टाइम तक देन मेरी मॉम ने यूज़ किया है बट मैं स्टिल इसे निकाल के लाई जस्ट टू तो शो यू कि बैगेट के बैग्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ये मैंने लाइफ स्टाइल से लिया था तो इसके अंदर मैंने एक ऑनलाइन ऑप्शन जो मुझे मिला काफ़ी प्यारा कलर है इसका वो है ये बहुत ही सुंदर लगा इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कैसा कलर बताऊँ मैं इसका ना पिंकिश गाजरी कैसा टोन आ रहा है इसका तो अगेन आ, ऐसे अच्छे लगते हैं कई बार होता है कि आपको इस तरह से है ऐसे यू नो यहाँ पे अपने आर्म पे होल्ड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर इसको कभी आपने इस तरह से तो इस तरह के ले, लेने में प्रेफ़र करती हूँ जिसके अंदर ये बिल्कुल ही डिटैच हो जाती हैं ताकि फिर ना ये लटकन फटकन सी अच्छी नहीं लगती है तो इसमें भी इस तरह से हैं कंप्लीटली आप इन्हें रिमूव कर सकते हो और अगर आपको इसको कैरी करना है तो साथ में आप इसे कैरी कर सकते ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर तो काफ़ी सारा सामान आ जाएगा आपका डेली यूज़ के लिए ऑफिस वगैरह अगर आपने जाना है तो इस तरह का आप कैरी कर सकते हैं इसका कलर भी बहुत प्यारा है एक्चुअली आप देख सकते हैं ये सुंदर है काफ़ी मुझे अच्छा लगा तो यस ये तो ऑनलाइन अभी मुझे नहीं लगता इतना पुराना अवेलेबल होगा बट ये ऑप्शन है कलर वगैरह बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मुझे थोड़े से ऐसे सटल से कलर हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें आप मल्टीपल ओकेजन पर कैरी कर सकते हो और ऑफिस वगैरह के लिए भी अप्रोप्रिएट होते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्लिंगी से चटक से कलर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं तो ये हो गया इसके बाद एक बैग है ये ये काफ़ी बड़ा बैग है आप देख सकते हो तो ये एक्चुअली हम एक हिल स्टेशन पे गए थे हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स वहाँ पर हम गए थे तो जिस रिजॉर्ट में रुके थे उनके पास ऐसा कलेक्शन था बड़े छोटे काफ़ी उसमें तो मैंने एक ये बड़ा वाला बैग ले लिया था ये ऐसे टाइम पर काम आता है जब यू you नो know, आप एक दो दिन के लिए कहीं जा रहे हो तो आपको अपने एक दो ड्रेसेज वगैरह भी इसमें डाल के ले जानी हो या फिर बेबी वगैरह आपके पास तो उसका कुछ सामान कैरी करना है साथ में तो ये बैग भी बहुत ज़्यादा काम आता है इस वे में आप देख सकते हो इस पर कोई ऐसे कल्चर को डिस्प्ले करता है आई थिंक कैलकटा के कल्चर को डिस्प्ले करता है उन्होंने जिन्होंने दिया था उन्होंने ऐसे ही बताया था तो ये है इसका मैं अल्टरनेटिव ऑनलाइन आपको दिखाती हूँ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा ये है फ्रॉम द ब्रांड जूक ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है इनकी ख़ुद की वेबसाइट भी है एंड ये 100% परसेंट वीगन ब्रांड ब्रांड है एक्चुअली ये वाला जो है ये कैमल लेदर का है एंड उस टाइम पे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था तो ऑबियसली यू नो एनिमल क्रोएलिटी को अवॉइड करते हुए वी शुड स्विच टू वीगन ब्रांड्स तो ये हंड्रेड वीगन लेदर है इसके अंदर एंड आप देख सकते हैं इस पर यह पूरा प्रिंट है काफी ज्यादा सुंदर लगता है ये एंड इसमें ना बहुत सारे जो हमारे कल्चरल यू नो आर्ट है ना उसके रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने बहुत सारे पैटर्न निकाले हुए हैं आप मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी इनके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगे तो आई गॉट दिस वन काफी ज्यादा स्पेशियस है ये सो so इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पेस है इसके अंदर अगर आप ऑफिस में ले जाना चाहें तो इसमें अपना लंच बॉक्स डाल सकते हैं इसमें अपना वॉलेट जितने भी बेसिक यू नो डेली यूज के आपको बैग में कैरी करने का सामान होता है आप इसमें भर सकते हैं बहुत अच्छे से काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है ये तो काफ़ी अच्छा लगता है इसका एंड इस पर आती है ये स्लिंग बैग जिसे आप अटैच कर सकते हो तो यस ये ज़रूर आप चेकआउट करना अगर आपको इनमें से कोई भी डिज़ाइन अच्छा लगे वेबसाइट पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं और एक्स्ट्रा 15 परसेंट पा सकते हैं अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे दैट इज़ ड्रीम सिंपल 15 कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा स्क्रीन पे भी मिल जाएगा तो यस अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा ये डिज़ाइंस वगैरह वहाँ पर काफ़ी सारे अवेलेबल हैं तो ये था नेक्स्ट थर्ड बैग इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरह के बैग्स दिखाती हूँ जो ऑफिस रिलेटेड हैं पहले तो ये भी मैंने अमेजोन से ऑनलाइन लिया है जो कि ब्राउन कलर में है एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज के अंदर है तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे मैंने ऐसे कलर्स पिक किए हैं जो वर्सेटाइल हो काफ़ी सारे उसके साथ कोई अगर मैं ऐसा कलर हट के ले लेती हैं तो ऑब्वियसली वो आप को मैं सजेस्ट कर दूं तो वो बहुत ओकेजनल हो जाएगा हमेशा आप कैरी नहीं कर पाओगे इसमें भी देख सकते हैं बीच में ये मिड कंपार्टमेंट है एंड देन काफ़ी स्पेस है इसके अंदर तो ये है एंड इस तरह से इसके हैंडल्स हैं चेन वेन की क्वालिटी सब मुझे काफ़ी अच्छी लगी गोल्डन फिनिश के अंदर है एंड ये बेल्ट के साथ आता है तो ऐसे एज ए ऐसे स्लिंग बैग भी आप यूज़ कर सकते हैं तो दिस इज़ द नेक्स्ट बैग ये सारे बैग्स आपके ऑफिस पर्पज के लिए हैं ये था फ्रॉम द ब्रांड वेमेन मार्क्स ठीक है तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है एंड नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द ब्रांड लेवी एंड लेवी के बैग्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं मतलब टेस्टेड एंड ट्राइड है काफ़ी बार मैंने इनको यू you नो know, पहले ख़रीदा हुआ है तो मुझे था कि ऐसे ही मैं सजेस्ट करूँ जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर सकती कर चुकी हूँ लाइक बैगेट का जैसे मैंने यूज़ किया हुआ है देन लेवी का यूज़ किया है क्योंकि ये अफोर्डेबल रेंज में होते हैं और काफ़ी डिज़ाइंस आपको मिल जाते हैं अगेन इनके अंदर भी बहुत सारे अच्छे कलर आपको ब्राइट कलर्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे और एक और टिप मैं देना चाहूँगी स्टाइलिंग को लेते हुए कि आप अपने बैग्स का कलर कैसे डिसाइड कर सकते हैं या तो आपके फुटवेयर से मैच कीजिए या फिर अगर आप बेल्ट कैरी करते हैं तो आप बेल्ट से मैच करते हुए ले सकते हैं ज़्यादातर हम फुटवेयर ब्लैक ब्राउन इसी तरह के पहनते हैं तो इसलिए अगर इसी कलर के अगर आपके पास बैग्स होंगे ना तो वो ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं तो दिस इज़ हाउ यू कैन पेयर योर बैग्स विद योर फुटवेयर्स और बेल्ट तो एक स्टाइलिंग टिप भी होगी साथ में तो ये बैग है ये टॉट बैग स्टाइल में है स्ट्रक्चर्ड बैग है अगेन इस तरह का बीच में एक कंपार्टमेंट है एंड देन यहाँ पर फोन वगैरह रखने के लिए भी अलग से कंपार्टमेंट है एंड देन एक चेन मिल जाती है ये तो आई थिंक ये वाला जो पैटर्न है ना ये तो पता ही है हर बैग के अंदर ज़्यादा इसी तरह का ही पैटर्न होता है ना एक बेड कंपार्टमेंट देन फोन वोन रखने वाले और एक छोटा सा गुम पॉकेट छोटी वाली होती है जो वो ये है एंड देन पीछे इस तरह से है ये लेवी का आप देख सकते हैं टैग है तो ये शोल्डर बैग ही आपका शोल्डर पर आएगा टॉट बैग स्टाइल के अंदर है इसका शेप ऐसा है तो ये भी आप अपने ऑफिस पर्पज़ के लिए ले सकते हैं अगर मैं फ्रेंकली बताऊँ ना तो मुझे कुछ टाइम पहले तक बैग्स का पता ही नहीं था मुझे सिर्फ पता था ऐसे ही बैग्स होते हैं और मैं जब भी ख़रीदते जाती थी मैं ऐसे ही बैग्स ले लेती थी सच में मतलब मुझे नहीं पता था कि पार्टी पार्टीवेयर बैग्स हैं वो भी आपके पास होने चाहिए तो जो जैसे आप शादी में जा रहे हैं वेडिंग्स में जा रहे हो तो उस टाइम के लिए भी आपके पास कुछ कलेक्शन में होना चाहिए तो काफ़ी कंफ्यूज होती थी बस धीरे धीरे सीखते सीखते मैंने सीखा और देन फिर मैंने अपने कलेक्शन के अंदर इस तरह के बैग भी इंक्लूड किए ये देख सकते हैं ये एक वेयर सॉर्ट ऑफ बैग है ये भी मैंने मिंत्रा से काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था बट कुछ भी नहीं निकाला हुआ क्योंकि यूज़ ही नहीं होते हैं ना ये अभी कहाँ ही जा रहे हैं अभी लॉकडाउन के चक्कर में बट ऑब्वियसली जैसे ये सब नॉर्मल लाइफ में हम एंटर करेंगे तो ये सब काफ़ी यूज़ में आएंगे तो अगर ये इस तरह के बैग अपने पास ज़रूर रख सकते हैं आप इसमें इस तरह की गोल्डन चेन है तो अगर वेस्टर्न वेयर की बात करें इंडियन वेयर की बात करें तो दोनों पे ही ये चल जाएगा फेस्टिव अप्रोप्रिएट एंड पार्टी अप्रोप्रिएट है उस तरह के आउटफिट्स के साथ आप इस तरह का बैग छोटा रख सकते हैं जिसके अंदर आपकी जो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइक जो मैंडेटरी चीज़ें हैं जैसे आपका एक छोटा वॉलेट हो गया आपकी लिपस्टिक हो गई एक दो मेकअप का सामान है वो आ जाए एंड या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं रख सकते जैसे आ, आप ऑफिस बैग्स में रख सकते हो ये मैं दिखा देती हूँ ये इधर आप अपना कुछ जो पैसे वैसे वो रख सकते हैं और ये इस वाले स्पेस के अंदर आप अपना जो वॉलेट वगैरह है ये सब चीज़ें डाल सकते हैं ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी एक आधी वीडियो में मैंने इसे स्टाइल किया है अपने इसके बाद क्लच में मैं अगर दिखाऊं तो ये आपके दोनों चीज़ों पे जाएगा इंडियन एंड वेस्टर्न पे लेकिन फिर बात हम करते हैं सिर्फ इंडियन वेयर की तो ये ना ये वाला मेरे पास ऑलरेडी एक था मम्मी लेके आए हुए थे ये ना पुष्कर से लेके आए थे ये तो छोटू बैग था ये मुझे काफ़ी क्यूट लगता है और मल्टी कलर है तो बहुत सारी चीज़ों के साथ चल जाता है स्पेशली इंडियन वेयर के साथ तो मुझे ना इस तरह का क्लच ये अमेज़ॉन पे दिखाई दिया जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगा बहुत ही प्यारा इसके ऊपर ना ये थ्रेड वर्क हो रहा है देखेंगे तो अगर ना न नेट है पहले और नेट के ऊपर ये डिफरेंट कलर्स बने हुए हैं थ्रेड वर्क से एंड पीछे पूरा वेलवेट है इस तरह से ये खुल जाता है इसके अंदर ये चेन है ठीक है तो मतलब यही है कि आपका ना जो जहाँ पर भी अगर शादी वादी में जा रहे हो कोई एथनिक वेयर आपने डाला हुआ है तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ एक जो क्लच है या पोर्टली बैग है वो इस तरह का अगर कलरफुल सा होगा जो कि आपके सारे आउटफिट्स के साथ मैच भी हो जाएगा और बड़ा आई कैच लगेगा और बड़ा क्यूट सा लगा इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया तो अगर आप इस तरह के बैग्स चाहिए तो उसका ऑल्टरनेटिव मुझे ऑनलाइन ये मिला काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आई थिंक अराउंड फाइव में मुझे मिला तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बहुत सारी आगे आने वाली वीडियोज़ में आप देखोगे कि अब मैं बैग्स भी आपको स्टाइल करके दिखाया करूँगी <laughs> तो या दिस इज़ द वन ये तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा पर्सनली मैं बताऊँ तो एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी कि ये जो मेटैलिक यहाँ पे है ना इस पर बहुत गौर से आप देखोगे बहुत गौर से तो कुछ स्क्रैचेस दिख जाएंगे आई थिंक वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हो गया होगा बट कुछ ऐसा खास मुझे दिख नहीं रहा आप देखें बहुत ज़्यादा गौर से देखेंगे तो पता नहीं बट या uh, yeah, मुझे अच्छा लगा आई विल कीप इट और मुझे तो मैं इसको बहुत सारी वीडियोस में अपने स्टाइल भी करने वाली हूँ कैरी भी करने वाली हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये हो गया और इसके बाद हाँ एक ये वाला बैग मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला भी ऐसा ना झोला बैग है तो मैं देखा होगा सरोशी नगर जब भी मैं जाती हूँ तो ये बैग तो मुझे चाहिए ही होता है बट ये बहुत ही प्यारा लगता है इस इसलिए इस तरह से ना ये पूरा ना हाथ से काम किया हुआ है आप देखेंगे छोटा छोटा जो भी डिटेलिंग है वो ये हैंड वर्क है ये और ये क्या नाम है पैच बनाया हुआ है ये झुब्बे वुब्बे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है ये मेरी मम्मी लेके आए थे पुष्कर से तो ये वाला और ये वाला पुष्कर का है तो बहुत ही राजस्थान में एक जगह है अजमेर के आसपास तो ये बहुत प्यारे हैं आई थिंक ये ना जो ऐसे स्पेशल मेला वगैरह लगते हैं ना स्टेट के कभी डेली में भी लग जाते हैं एक कौन सा है वो hmm... कोई मेले वेले लगते तो उनमें भी वहाँ के लोग आके अपना कलेक्शन शो करते तो हो सकता है उस टाइम पे आपको ये मिल जाए आ, कुछ लोग पूछ रहे थे मेरी वीडियो के अंदर मैंने शायद कभी रखा हुआ था सरोजनी वाले में तो ये बैग कहाँ से तो ये ऑनलाइन मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा बट ये ऑफलाइन अवेलेबल है पुष्कर के अंदर और कुछ इस तरह के जो एग्जीबिशंस वगैरह स्टॉल्स वगैरह लगते हैं ना स्टेट वाइज तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा तो आई थिंक आई हैव शोन यू ऑल द स्टफ़ लाइक आपको मैंने ऑफ़िस में कैरी करने के ऑप्शंस भी दिखा दिए इस तरह के बड़े बैग क्लचेस वेयर सारी चीज़ें दिखा दी आई होप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है मैंने ऑप्शन दिखाए आपके पास सारे नहीं होने चाहिए यू कैन बाय वन लाइक ब्राउन कलर में एक बैग कलर ब्लैक के अंदर सॉरी एक ब्लैक और ब्राउन में आप ले सकते हैं जो आपके ऑफिस में काम आ जाए देन एक आप आ, बड़ा बैग ले सकते हैं जो कि आपके ऐसी जगह पे जहाँ पे एक दो दिन आप जाना हो तो वहाँ पर काम आ जाए देन इस तरह के एक आधे आप क्लच ले सकते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कलेक्शन नहीं रखना बट एटलीस्ट आई थिंक तीन या चार बैग आप अपने पास रखेंगे तो आपको हर ओकेजन के लिए हैंड बैग या फिर क्लच या पर्स जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो या आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो आप ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा बैग अच्छा लगा मेरी पसंद अच्छी भी लगी या नहीं लगी वो भी ज़रूर बता दीजिएगा और या yeah, इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर बाय